हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस ग्राइंडर के इस गियर स्टॉपर को बदलेंगे जो कि ख़राब है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी छोटा है, आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जो लोग यह काम कर लेते हैं, जानते हैं, वह इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, नहीं तो वह बाद में उल्टा सीधा कमेंट करते हैं कि यह काम मैं पहले ही कर सकता हूं। तो चलिए, अब हम इसे इसके गियर को ओपन करेंगे। तो इन स्क्रूओं को जल्दी से हम खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यह स्टॉपर किस प्रकार खराब हो गया है। तो गियर दोस्तों पूरी तरह से सही है, इस गियर को हम एक तरफ रख देते हैं। और अब देखिए दोस्तों, इसमें यह गियर पूरी तरह से, इसका यह स्टॉपर खराब हो गया है, घुर गया है, फिस गया है। इस वजह से यह गियर को लॉक नहीं कर रहा था और इसका व्हील जो पत्ता रहता है उसे निकालने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, यह रहा नया स्टॉपर, इसमें यह स्प्रिंग रहता है और यह प्लास्टिक का नाब इसमें लगा होता है। तो चलिए, इस स्टॉपर को हम इस प्रकार उसकी जगह पर बैठा लेते हैं। और फिर दोस्तों, इस स्प्रिंग और इस प्लास्टिक की नाब को हम बाद में इसमें लगाएंगे। तो चलिए, पहले हम गियर में थोड़ा सा ग्रीस लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीस बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीस लगाने के बाद दोस्तों, हम गियर को गियर बॉक्स में इस प्रकार सेट करेंगे और फिर इसके स्क्रूओं को जल्दी से टाइट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पावर टूल्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, गियर अच्छी तरह से घूमने लगा है। अब दोस्तों, हम इस स्प्रिंग को इस प्रकार इस स्टॉपर के ऊपर रखते हैं और रखने के बाद इसे अंगूठे से प्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब हम इस प्लास्टिक नाप को ऊपर से दोनों अंगूठों की सहायता से इसे दबाते हैं। यह देखिए दोस्तों, यदि यह फिर भी नहीं सेट होता है तो एक पेचकस की सहायता से या हथौड़ी की सहायता से हम इसे ठोक देते हैं, तो यह बड़ी ही आसानी से अपनी जगह पर सेट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह स्टॉपर अपनी जगह पर आसानी से सेट हो गया है और अच्छी तरह से काम करने लगा है। दोस्तों, इस स्टॉपर के ख़राब हो जाने से हम जो इसमें व्हील लगाते हैं, पत्ता लगाते हैं, चाहे वह लोहे वाला हो चाहे वह पत्थर वाला हो, उसे निकालने में काफ़ी दिक्कत जाती है। तो इसे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हम बड़ी ही आसानी से इस स्टॉपर को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आज का इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।